पिया गिरा हो रामजी, रामजी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया गिरा, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। अगर सीता ने सुन लिया, सीता सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड सो व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी में पहले से शक है, वो गाना है तेरा तुम गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। हाँ जी, वही मुनव्वर फारूकी है जिसके अब्बू जान ने इसकी अम्मी जान पर चढ़ाई करते समय सस्ता 10 रुपए वाला कॉन्डम लिया और वो गलती से फट गया, तब जाकर ये सारा नमूना कार्टून मुनव्वर फारूकी जैसा पंचर छाप पैदा हो गया। ठीक, अब पंचर छाप को मुनव्वर फारूकी को पैदा होने के बाद इसके पास कोई काम धंधा तो था नहीं, इसके जो अब्बू जान थे वो पंचर वंचर की दुकान लगाते थे, 10-12 बच्चे पैदा कर दिए, कॉन्डम का यूज किया नहीं मुनव्वर फारूकी जैसे, अब ये करे क्या। अब करे तो इसकी शक्ल के हिसाब से मुनव्वर फारूकी कॉमेडी करने लग गया, और कॉमेडी भी क्या करने लग गया, ये साला सुअर के हिंदू धर्म पर विशेष टिप्पणी करने लग गया, जैसे कि सीता माता के ऊपर चरित्र पर उंगली उठाना, जैसे कि श्री राम जी के बारे में बोलना, जैसे कृष्ण भगवान के बारे में, गणेश जी के बारे में बोलना, ऐसे करके हिंदू धर्म के बारे में मुनव्वर फारूकी नाम का सुअर कुछ न कुछ अनाब शनाब बोलने लग गया ताकि इसे पब्लिसिटी मिल जाए। तो पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ मुनव्वर फारूकी, तू मेरी बात कान खोल कर सुन, जितना तू जोर श्री कृष्ण भगवान और सीता माता के ऊपर देता ना, अगर उतना ही जोर तू काले त्रिपाल पर दे देता ना, ये काले त्रिपाल की आड़ में जो तेवर के साथ, ससुर के साथ और अब्बू जान के साथ, मामू जान के साथ, और जैसे मुनव्वर फारूकी जो काले त्रिपाल की आड़ में जो कि तू अपनी बहनों के साथ या जो भी है जिन जानों के साथ, मौसी जानों के साथ जो तू रंगरेलिया मनाता है और उस पर भी ज़्यादा उस प्रथा पर ध्यान दे देता तो शायद तुझे हिंदू धर्म के बारे में आस्था का पता चल जाता, हिंदू की आस्था क्या है, क्योंकि तुम्हारी तरह एक से ब्याह कर पूरा मोहल्ला के मोहल्ला मजे नहीं काटता। पहले तो मुजफ्फर फारूकी तू एक बात ध्यान से अपने दिमाग में डाल ले, ठीक। और दूसरा, मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करूंगा, जो दिल्ली पुलिस ने इस सुअर का शो हो रहा था मुनव्वर फारूकी का दिल्ली में, उसे रद्द कर दिया, उसे कैंसिल कर दिया, पहली बात तो ये। और दूसरी वाली बात, एक इंसानियत के नाते एक हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर आज मैं पंचर पुत्रों से एक बात पूछना चाहता हूँ। पंचर पुत्रों एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोल दे तो तुम सड़कों पर आ जाते हो, तुम्हारे बारे में कोई कुछ टिप्पणी कर दे चाहे बेशक चाहे कुछ भी हो, तुम सड़कों पर आ जाते हो, सड़कों पर आने के बाद तुम सिर के नारे लगाते हो, सिर को कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करके कुछ कलमा वलमा टाइप का पढ़ते हो, नारे लगाते हो, और तुम विरोध करते करते इतना मतलब चूर हो जाते हो, तुम पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आग लगा देते हो, हिंदुस्तान की संपत्ति को जला देते हो, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हो, तुम मतलब ये भूल जाते हो पंचर पुत्रों कि हम यहाँ पर नहीं जिहादी हो, तुम ये भूल जाते हो हम यहाँ पर, हमें हिंदुस्तान में ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। तुम्हें याद तब आती है जब पुलिस तुम्हारे पिछवाड़े को तोड़ती है, पिछवाड़े में बांस घुसाती है, जब तुम्हें याद आती है कि हम हिंदुस्तान के अंदर हैं। मगर पंचर पुत्रों एक बात बताओ, ऐसी नौबत आती क्यों है कि मुनव्वर फारूकी का शो अब दिल्ली में होने वाला था, ठीक। हम तो इंसानियत नाम की गंगा जमुना तहजीब जो भी है, वैसे गंगा जमुना तहजीब की तुम हिंदू ही बात करते हैं साले बेवकूफ जो भी ये होते हैं, पर हम एक बात पूछना चाहते हैं तुमसे क्या जिहादी हो, ये बताओ तुम लोग जो ये भाईचारे की बात करते हो तो दिल्ली में जो ये हुआ था, इसका शो होने वाला था मुजफ्फर फारूकी का, एक कोई जिहादी पहुँचा वहाँ, कोई जिहादी पहुँचता और कहता इसका शो को हटवाओ, इसके शो को रुकवाओ क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाता है, हिंदुओं के ऊपर बोलता है, तब मानते तो मैं जिहादी हो, मगर नहीं गया ना वहाँ जिहादी हो, क्यों, क्योंकि वहाँ तुम्हारा एजेंडा फिट नहीं होता, तुम्हें हिंदुस्तान को सीरिया बनाना है, तुम्हें हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है, तुम्हें अफगानिस्तान बनाना है हिंदुस्तान को, तो कान खोल कर तुम भी सुन लो पंचर पुत्रो, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा, हिंदुओं का ही रहेगा, पहली बात तो ये दिमाग में डाल लेना, ठीक है। और मुनव्वर फारूकी सस्ते कॉन्डम की पैदाइश, मेरी बात तू सुन कान खोल कर, जिस दिन साले तू हमारे हत्ते में चढ़ गया ना तो काका कूकी कूका सब भूल जाएगा करने के लिए, ठीक है ना, जो तुम ये अय्यासियों का खेल खेलते हो ना वहीं पर तुझे घसीट घसीट कर नालियों में दे देकर तेरे मुंह को अगर सुअरों से ना चटवाया तो नाम बदल देना हमारा, समझ में आ गई ना, मुनव्वर फारूकी वहाँ बताएंगे हिंदू होता क्या है और हिंदुओं की ताकत क्या है। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, वंदे मातरम, हर महादेव।